दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ जिला रोहिणी ने खूनखार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शॉप शूटर को गिरफ्तार किया है। शॉप शूटर की पहचान साहिल उर्फ पुनीत कुमार के रूप में हुई है। पकड़े गए खतरनाक अपराधी के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। निसंदेह यह दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। दिनांक 15 जुलाई को स्पेशल स्टाफ जिला रोहिणी को सूचना प्राप्त हुई कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक शार्प शूटर अवैध हथियार लेकर गेट नंबर 3 जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी पर आने वाला है। इमीडिएट रेड डालकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही शार्प शूटर को पकड़ने के लिए ब्रह्मजीत सिंह ACP ऑपरेशन रोहिणी की सुपरविजन और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में SI जगदीश, ASI रूपेश, ASI रविंद्र, कांस्टेबल अमन, कांस्टेबल प्रवीण और कांस्टेबल अक्षय की एक टीम बनाई गई। टीम ने रोहिणी सेक्टर 10 जापानी पार्क के गेट नंबर 3 पर अपना ट्रैप बिछाया। शाम करीब 5 बजे गैंगस्टर को सेक्टर 11 रोहिणी की ओर से आते देखा गया। सीक्रेट इन्फॉर्मर के सिग्नल देने पर गैंगस्टर साहिल उर्फ पुनीत को पकड़ लिया। गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान सिरासपुर के साहिल उर्फ पुनीत कुमार के रूप में हुई। लगातार पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शिक्रिया शॉप शूटर है। पूछताछ में उसने आगे बताया कि वो तिहाड़ जेल में बंद खूनखार गैंगस्टर हेमंत उर्फ चीकू के संपर्क में था। गैंग की तरफ से क्राइम करने के लिए उसे एक पिस्तौल दी गई थी। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार गैंगस्टर के खिलाफ प्रशांत विहार में FIR संख्या 462/21 अंडर सेक्शन 25 54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि गिरफ्तार आरोपी 26 साल का साहिल उर्फ पुनीत कुमार BA प्रथम वर्ष तक की पढ़ाई कर चुका है। वो गरीब घर से है। उसके पिता की मौत साल 2019 में हो चुकी है। उसने हाल ही में खूनखार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के खास हेमंत उर्फ चीकू के लिए काम करना शुरू किया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।